शक्ति, एक अस्तित्व, एक पहचान। एक भोर शक्ति ने जन्म लिया, भविष्य की उसको खबर ना थी। अनजान थी वो तहजीब से, आसान जिंदगी की डगर ना थी। थोड़ी बड़ी हो गई थी वो, होश अब उसने संभाला। समाज की प्रथा तो देखो, मिलके बोझ उस मासूम पे डाला। जब वो घर से निकलती रहती कुछ सहमी सहमी, मानसिकता तो उसकी देखो, लगती उसे ये दुनिया जुल्मी। हो चली थी अब वो बालिक, समुदाय ने निभाया एक रश्म। दहेज प्रथा थी उसके आड़ी, फिर भी खूब मनाया जश्न। जिस उम्र में बेटा ना समझता, बेटी चल चली थी ससुराल। छोड़ के अपनों का दामन, खुद को बना ली उसने अपनी ढाल। दूसरे के घर को अपना बनाया, हर कुछ को उसने संभाला। वंश को उसने आगे बढ़ाया, जिम्मेदारियों ने पर उसे बोझ तले दबाया। बाल बच्चों को पाला पोसा उसने, उनको काबिल बड़ा किया। चूक न जाने कहीं रह गई थी, झुरियों से मुख को उन्होंने अनदेखा कर दिया। सलाम है मेरा उस बेटी माँ बहू को, जिसने अदम्य शक्ति को दिखाया। जो थी कभी सहमी सहमी, उसने वंश के रीत को आगे बढ़ाया। पर अब भी हूँ मैं दुखी, पर अब भी हूँ मैं दुखी। समाज ने उस कुर्बानी को जाया किया, उस प्रचंड शक्ति के सत्य को रिवाज और नीति करार दिया। अब हम थोड़ी देर के लिए मौन रहेंगे। आप सोच रहे होंगे कोई मर गया। हाँ मर गया, हमारी जमीर, हमारी इज्जत, हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वजों का बलिदान, हमारा सम्मान, हमारे संस्कार, हमारे अपनों का प्यार, सब सब खत्म हो गया, सब मर गए। उसके लिए मौन धारण किया था, और कुछ नहीं तो इतना तो कर ही सकता हूं मैं। आज हमारी भारत माँ रो रही है, पुकार रही है हमें, गुहार लगा रही है वो अपने युवा पुत्रों को। पर ये उसी माँ के किसी बेटी के साथ, उसी माँ के सीने पर खड़े होके अपने हवस का, अपने क्रूरता का परिचय दे रहे हैं, और अपने संस्कृति, अपने संस्कार और अपने गौरवान्वित इतिहास का गला घोट रहे हैं। लोग कहते हैं लड़कियों में गंदी और अच्छी नजरों को परखने की बहुत अच्छी क्षमता होती है, पर ये लड़कियां भी आज जान के अनजान बन रही हैं। अगर कोई लड़का इनका मित्र नहीं है और गलती से उसकी नजर इनके ऊपर पड़ जाए, तो उस लड़के के प्रति इनकी धारणा बहुत ही अजीब होती है। आखिर क्यों है ऐसी मानसिकता? क्या ये समाज ने उत्पन्न किया है या आपने? मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये। आज मैं देख रहा हूं औरतें अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं, उन्हें पुरुषों की तुलना में बराबर का हक चाहिए। अरे एक बार भारतीय संविधान को देखो, वहां पुरुषों और स्त्रियों को समान अधिकार प्राप्त है। दरअसल ये वक्त ऐसा आ गया है कि हम एक अनजान रेस में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं उसमें। और क्या हम उसमें फर्स्ट आ रहे हैं? नहीं, सेकेंड, थर्ड नहीं, क्या लास्ट आ रहे हैं? नहीं, हम कहीं बीच में हैं। हमें पता नहीं वो रेस कौन सा है और हम उसमें भागे जा रहे हैं। पहले वो रेस को पहचान तो लो, फिर भागो। आज सिर्फ लड़के ही हर जगह गलत नहीं होते, आज लड़के और लड़कियां दोनों के मानसिकता, उनके सोच को बदलने की आवश्यकता है। अगर मेरी बातें कोई ऐसा लड़का सुन रहा है जो लड़कियों औरतों को इज्जत नहीं देता, मैं उससे कुछ पूछना नहीं चाहूंगा। बस एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि आज जिस धरती पे वो खड़ा है, वो भी उसकी माँ है, और शायद उसके घर में भी उसकी माँ और बहन है। जब वो रास्ते पर किसी को गंदी निगाहों से देखता है ना, तो शर्म के मारे सामने वाली नारी की आंखें झुक जाती हैं। और ठीक उसी प्रकार उसके घर के औरतों के साथ भी होता होगा। वो लोग जो तमाशा देखते हैं और इग्नोर करके ऐसी चीजों को आगे बढ़ जाते हैं, सबसे बड़े गुनहगार तो वो हैं। अभी भी वक्त है यार, संभल जाओ। सबके हिस्से की इज्जत उसे मिलने दो, किसी के रास्ते का रोड़ा मत बनो। खैर, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस आने वाला है, और हम एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरह प्रण लेते हैं कि संविधान का पालन करेंगे, महिलाओं की इज्जत करेंगे, दुखियारों के प्रति सदा दया भावना रखेंगे, और भारत माँ का सर कभी नहीं झुकने देंगे। जय हिंद, जय भारत।